अभी एक साहब है, उनकी बात समझ में नहीं आती है, क्या नहीं आती आती है, कश्मीर देके आ गया, कश्मीर है नहीं है। अरे भाई वो ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है, इंडियन कश्मीर की बात हो रही थी, जो इमरान खान जो है भाजपा के साथ गए थे, उनके आते ही जो इन्होंने अनाउंस कर दिया था 70 खत्म कर दिया था। तो इनके सर के ऊपर से गुजर जाती है, आके बक बक करके चले जाते हैं, ABCD पता होती नहीं है बात क्या हो रही है। तो सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर सैयद साहब ने कुछ बातें जो है बहुत सही कही हैं, गेम प्लान जो हो रहा है पूरे खित्ते को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है, पूरे खित्ते को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है, और जो लोग कंट्री बीच में नहीं पड़ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि उस उन कंट्रीज ने हुकूमत तो नहीं की है, हुकूमत ही नहीं की है। आप क्या समझती हैं कि सऊदी अरब खामोश ऐसे ही बैठा हुआ है, वहां लोग नहीं चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं? मतलब उनको अपनी बादशाहत खत्म करानी है क्या? उनको अपनी बादशाहत खत्म करानी है? और जितनी जगह भी ईरान के अलावा जितनी जगह भी से भी कोई रेजिस्टेंस की जा रही है, हुकूमती सतह पे थोड़ी हो रहा है। लबनान में तो वहां से हुकूमती सतह पे थोड़ी हो रहा है। तो दूसरे लोग हैं, दूसरे तंजीमें बनी है, वो फाइट कर रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मुसलमानों से ज्यादा तो काफिर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सैयद साहब ने बात की, बहुत ही सोच समझ के फैसले करने के हैं। अगर बगैर सोचे समझे आप अपने आप को तोले, अपनी ताकत देखें, आप ऐसे आप मैदान में उतर जाएंगे, वो तो यही चाह रहे हैं, उतर जाइए, हम आपका काम तमाम कर देंगे। अल्ताफ हुसैन थोड़ी है, अल्ताफ हुसैन जैसे दहशतगर्द थोड़ी है आदमी के पास। कल की तारीख जो है गुजर गई, इन्होंने कल बताया नहीं, इन्होंने पैंट पहन के अपने ही महाजनों को मारा था हैदराबाद में 30 तारीख को। तो इनकी तस्वीर लगानी चाहिए थी आपको अपने चैनल पे, इन्होंने आपके चैनल पे कहा था कि अल्ताफ हुसैन ने इनको पैंट बनाई थी पीले कलर की और इन्होंने महाजनों पे फायरिंग की थी, इन्होंने आपके चैनल पे खुद कहा था। ये तो कातिल है भाई, इनको सबने पहले तो कनाडा से इनको उठवाओ और वहां की हुकूमत को कहो ये कातिल है, भागा भाई पाकिस्तान से, इसको लटकाओ, वहीं लटका दो उम्र कैद। सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए, अल्ताफ हुसैन को तो पहले साइड में रखो। एक आदमी टीवी चैनल पे बैठ के एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने जो है पीली पैंट पहन के गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं, तो सबसे पहले तो गंदे आदमी को निकालना चाहिए भाई। बिस्तर पे आग ना लग जाए, इतना धुआं निकल रहा है, इधर आराम आराम से, आराम आराम से। चले जय साहब, जैदी भाई का भी ले लूं पाकिस्तान के बारे में। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? आप चौधरी साहब आप खामोश हो जाए, जैदी भाई अब चुप हो जाए, जो जैदी भाई कहेंगे चौधरी साहब की। जैदी भाई का थोड़ा मैसेज ले लूं मैं, थोड़ा सा डिसेबल करने की कोशिश है और यहूदी साजिश यही कर रहे हैं। साहब आपने जो है ना आज दिल जीत लिया, जो आपने बातें की है ना, शाबाश है। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको सैयद को मौका दें, इनको बोलने दें, मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर बोल लूंगा इनके बाद। इनको अभी नंबर कहाँ है सैयद का? नहीं, सैयद भाई ने बोल लिया अभी, जब भी तो जैदी भाई चौधरी साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कोकर साहब ने, गोहर साहब ने भी बोल लिया, कोकर साहब ने, कोकर साहब की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो सैयद साहब के बीच में बात क्रॉस चल रही, उनको ओपन बोलने तो दें थोड़ा। बोले है ना, वो ओपन बोल लिए। जी बोले, अगर नहीं बोलना चाहते। देखिए मैंने जो पूरी बात की थी उसमें, अगर खासकर आपके जो पहले मेरे बाद जो कॉलर साहब आए थे लंदन से, तो मैंने उनको कहीं, मैंने किसी पाकिस्तान की सियासी जमात का उसमें कहीं जिक्र नहीं किया था। मैंने आलमी रायमा की बात की थी और मुसलमान ममालिक के बारे में।